शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। मुल्क और सियासत की अगर बात करें तो दुनिया में दो तरह की सोच रही है हमेशा। पहली सोच ऐसी रही है जिसका कहना है कि हमारा देश सबसे बेहतर है, हमारा देश सबसे अच्छा है और इसे ही सबसे अच्छा बना रहना चाहिए। दूसरी सोच है जो कहती है कि उत्थान पतन, उठना गिरना, गिर के उठना और फिर उठ के गिरना, ये तो हर सभ्यता में लगा रहा है। हमारा देश कोई विशेष नहीं है, हमारा देश भी वैसा ही है जैसे इस ग्लोब पे दूसरे देश हैं। बहरहाल दूसरी सोच को छोड़ते हैं, पहली सोच पे आते हैं। पहली सोच को राष्ट्रवादी सोच कहते हैं और जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मैथिली शरण गुप्त की कविता है, भारत भारती से ली गई है और ये कविता राष्ट्रवादी स्वर वाली कविता है। जब इस कविता को रचा गया था तब देश गुलाम था, देश अपनी पहचान को ढूंढ रहा था। वो क्या है, कैसा था, कैसा होना चाहिए उसको, ऐसे में इस सोच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी लोगों में आत्मविश्वास देने के लिए, लोगों को उनकी खुद मुख्तारी की ओर बढ़ाने के लिए। तो इस कविता में ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमने पूरी दुनिया को ये दिया, पूरी दुनिया को वो दिया, फिर आज हमारा हाथ खाली क्यों है। आइए सुनते हैं कविता भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त की। शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वो जंगलों में घूमते, प्रसाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि की कार्य करके आर्य तब शुचि सोमरस थे पी रहे। मिलता न यह सात्विक सुभोजन यदि सुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। था गर्व नित्य निजस्व का दम से हम दूर थे, थे धर्म भीरु परंतु हम सब काल सच्चे सूर थे। सब लोक सुख हम भोग दे थे बंधवों के साथ में, पर पारलौकिक सिद्ध भी रखते सदा थे हाथ में। थे जो समुन्नत के सुखद उत्तुंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बढ़े। भवसिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीरजों, परमार्थ साध्य हेतु थे आतुर परंतु गंभीर त्यों। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल विश्वास था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी है वही, है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। बिकते गुलाम न थे यहाँ हम में न ऐसी रीत थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी नीति थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें। अपने लिए भी आज हम क्यों जी न
जी न सकते हो यहाँ, पर दूसरों के ही लिए जीते जहाते हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदपि जीवन मृत्यु को दिव्य जीवन युक्त थे। कहते नहीं थे किंतु हम करके दिखाते थे सदा, नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचे चढ़ाते थे हमें, पीछे रहे को घूमकर आगे बढ़ाते थे हम। होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की, हम अंत में भवबंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के, थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे। विज्ञान वेता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे है, हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की है, लाभकारक रीति शव के गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का, और हम किससे डरे, हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम से विह्वल मरे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सर झुके, हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। सारी धरा तो थी धरा ही, सिंधु भी बंधवा दिया, आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, है द्वीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। रौंदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, फैला दिया व्यापार कर दी धूम धर्म प्रचार की। कप्तान को लंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, जबकि सुचिन्ह अमेरिका में है हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का, करते कहो वर्णन भला फिर किस तरह इस बात का। हम वर वधु की भावरों से साम्य उसका कर चुके, अब खोजते जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके। आरंभ जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया, था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश से, करते उसे कृतकृत है अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में है बढ़ रही, संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहां ऐसे हुई। यूनान ही कह दे वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निहिसंक है। जापान जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारत वर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक मना, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधान आभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि है अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता की सीधी का दम भर चुके। पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को, थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को।
है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई। हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है अभी तब तक सब कहीं। होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहा। ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था जब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और ग्राम समूह संस्था थी मुहल्लों की लड़ी। है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरिवंश भी हैं कूजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। बहुत बहुत धन्यवाद।